In this video, I will teach you about types of inertia. The inertia of a material object may be following the three types. तो इन टाइप्स ऑफ इनर्सिया थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट है हमारे पास इनर्सिया एट रेस्ट, इनर्सिया एट रेस्ट. सेकंड है इनर्सिया एट इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ मोशन. एंड हमारा थर्ड है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. तो ये थ्री टाइप्स के इनर्सिया होता है हमारे पास. तो इनर्सिया एट रेस्ट है क्या? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड द इनर्सिया ऑफ रेस्ट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट. अब समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू. एग्जाम्पल क्या है इसका? वेन अ बस या कार ले सकते हैं आप, वेन अ बस और कार सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड. क्या होता है जब हम बस में बैठे होते हैं, सडनली स्टार्ट होती है मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, दो पैसेंजर जो होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं. ठीक है, पीछे की ओर एक धक्का लगता है जब सडनली कार या बस स्टार्ट होती है. इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है ड्यू टू कॉज ऑफ इनर्सिया एट रेस्ट. तो सबसे पहले सुनेंगे इसे. ठीक है, व्हेन द व्हीकल मींस बस या कार सडनली स्टार्ट, देन द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इट कॉन्टैक्ट विद सीट ऑफ बस. ठीक है, सीट ऑफ बस. व्हेन बस मूविंग, जब बस मूव करती है, ठीक है, सडनली, तो हमारा जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो कॉन्टैक्ट में होता है सीट के, तो वो क्या करता है? मोशन करने लगता है. व्हाट जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो क्या है? रेस्ट में ही रहता है. ठीक है, तो रेस्ट में रहता है तो हमें क्या है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ एक धक्का लगता है. ठीक है, द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, पीछे की ओर एक धक्का लगता है ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट है इनर्सिया मोशन. बेटा इनर्सिया मोशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द इनर्सिया ऑफ मोशन. ठीक है, जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की अपोज करने की एंड चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की वाइड इज सेल्फ स्वयं को, तो इज कॉल्ड द इनर्सिया ऑफ मोशन. एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल सिमिलर है इसी तरह से. इसमें लेंगे व्हेन द ड्राइवर ऑफ बस रनिंग एट हाई स्पीड सडनली अप्लाइज ए ब्रेक द पैसेंजर एक्सपीरियंस ए फॉरवर्ड पुश. तो पैसेंजर यहाँ क्या करते हैं? फॉरवर्ड पुश. मतलब क्या है? कोई यहाँ बस है, बस क्या है? मोशन में है. ठीक है, बस हाई स्पीड से मोशन में है. मोशन के बाद ड्राइवर क्या करता है? उस बस पर ब्रेक अप्लाई करता है सडनली. तो द पैसेंजर होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं एक फॉरवर्ड पुश, आगे की ओर झुक जाते हैं. व्हाई? ड्यू टू कॉज ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन. ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि बॉडी का जो हमारे पास, क्योंकि बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ब्रेक्स लगने पर, बस जब रेस्ट में आती है तो वो रेस्ट कंडीशन पहुंच जाता है. व्हाट अपर पार्ट क्या होता है? मोशन में ही रहता है, इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं. नेक्स्ट हमारा थर्ड है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? थर्ड
इनर्जी ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्जी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई इनर्जी ऑफ डायरेक्शन की. ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं हम. इसका एग्जाम्पल है व्हेन ए फास्ट मूविंग बस ऑन ए कर्व रोड. जैसे कोई बस है मोशन में है और वो क्या है कर्व रोड इस तरह से. ठीक है, कर्व रोड पर वो टर्न करती है तो पैसेंजर ऑफ बस या कार एक्सपीरियंस ए आउटवर्ड पुश. मतलब क्या है, हम सभी लोग कार या बस में बैठते हैं और किसी टर्न पर वो जब कार या बस मूव्स होती है, ठीक है, टर्न होती है तो एक आउटवर्ड पुश लगता है, एक आउटवर्ड फोर्स लगता है किधर, जैसे जो विंडो लगी है विंडो के आउटसाइड. ठीक है, जैसे हम इधर से जा रहे हैं इस तरह से टर्न कर रहे हैं तो यहाँ आउटवर्ड पुश लगेगा. इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ही है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका. लेट ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग वाई रॉयलिंग इन ए हॉरिजेंटल सर्किल. इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली द स्टोन फॉल्स ऑफ टेंजेंशियली. जैसे सपोज दैट हमारे पास ये डायरेक्शनल इनर्सिया का है, इस तरह से हमने एक ये स्टोन लिया है और सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में उसे क्या है हम रिवॉल्व कराते हैं. तो हमारी स्ट्रिंग है सडनली क्या वो ब्रेक हो जाए तो ये जो स्टोन होगा स्टोन का मोशन कैसा होगा, स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंसली बिल्कुल क्या हो जाएगा. ठीक है, टेंजेंसली कंडीशन यानी डायरेक्शन उसकी टेंजेंसली हो जाएगी. तो ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन किसके कारण होती है, ये डायरेक्शन ऑफ इनर्सिया है. ठीक है,